जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, शनिपीठ मंदिर इस पटेल नगर नई दिल्ली से मैं गुरु मारुकमणि आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूं हमारे आज के इस कार्यक्रम में। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि अपने घर की किस दिशा में किस प्रकार की फोटो लगा के आप धन को अपनी ओर और आकर्षित कर सकते हैं। आपके घर में धन का आगमन बढ़ सकता है, पैसों में वृद्धि होगी, धन आपकी ओर खींच करके आएगा, यही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जिन भी लोगों के घर में धन की कमी है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां आज आपकी टूटने वाली है और माता महालक्ष्मी को अपने घर में सदा के लिए वास कैसे कराना है ये भी आपको जानने को मिलेगा। साथ ही मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि आज आप ही के कारण हमें यूट्यूब से एक गोल्डन अवार्ड प्राप्त हुआ है। YouTube के हेडक्वार्टर से अमेरिका से हमें एक गोल्डन अवार्ड आया है, क्योंकि हमने 10 लाख सब्सक्राइबर्स अपने YouTube चैनल पे क्रॉस कर दिए हैं और आज इस समय की स्थिति की बात करें तो 11 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे इस YouTube चैनल पे हैं। तो ये सब आप ही के कारण संभव है, इसलिए जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। दूसरी बात आपसे कहना चाहती हूँ कि 13 अक्टूबर को, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा जन्मदिन था। बहुत से लोगों ने मुझे बधाइयां भेजी हैं, तो उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ और उनके प्यार के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, उनकी शुभकामनाओं के मैं बहुत ही आभारी हूँ। बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं, गुरुमा आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं? इस बार मैंने अपने जन्मदिन पे मैं स्कूल्स की तरफ गई। यहाँ पटेल नगर में जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, वहाँ पे गरीब बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, वहां पर मैंने इस बार प्रसाद वितरण किया। तो वहां अपने हाथों से जाकर के कुछ 3-4 स्कूल में मैं गई हूँ और हजारों बच्चों को मैंने अपने हाथ से प्रसाद बांटा है। तो ऐसे ही गुरु माँ का जन्मदिन तो ऐसे ही बनता है और ये करके मुझे बहुत ही तसल्ली और बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप में से बहुत सारे लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं और जुड़ने के लिए आगे भी आ रहे हैं। अभी हमें जेवर एयरपोर्ट जो बन रहा है, वहां पर कोई एक व्यक्ति हैं, सज्जन हैं, वो मिलने आए थे हमसे यहाँ दिल्ली में और उन्होंने हमारे शनिपीठ मंदिर के लिए 500 गज जमीन लेने की इच्छा जाहिर की है। वो चाहते हैं कि हम उस जमीन को लें, वो हमारे मंदिर को, शनिपीठ मंदिर को ये जमीन दान करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस जमीन पे वो हम कुछ बनाए, कुछ धर्म की सेवा करें। लेकिन समस्या ये है कि इतनी दूर जाना संभव नहीं है। वहां जाना, वहां कंस्ट्रक्शन कराना और फिर से उस जगह का प्रचार करना, उस वहां पे किसी मंदिर को दोबारा से स्थापित करना बहुत कठिन है। हम यहाँ दिल्ली में बैठते हैं, सेंट्रल दिल्ली में, और पूरी दुनिया से यहीं पर हमारे से लोग मिलने आते हैं। तो अगर दिल्ली के आसपास की कोई जगह होती तो ये ज्यादा बेहतर रहता, क्योंकि जेवर जाकर के वहां निर्माण करना बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन आप लोग धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, ये बात जान करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत से लोग अपनी डेली इनकम का, मंथली इनकम का कुछ हिस्सा भी हमको पेटीएम के माध्यम से और हमारे बैंक अकाउंट में, जो मंदिर का शनिदेव भगवान का बैंक अकाउंट है, उसमें भी ट्रांसफर करते रहते। कुछ लोग तो रोजाना ही अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा भेज रहे हैं, कुछ लोग मंथली भेजते हैं। उन सभी लोगों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि ये सब धार्मिक कार्य, धर्म को आगे बढ़ाने के कार्य हम आप ही जैसे लोगों के कार्य कर पा रहे हैं। लेकिन साथ ही एक निवेदन और कर रही हूँ कि आप अपना नाम अवश्य भेजें, गुप्त दान ना करें, नाम अवश्य भेजें, ताकि हम अगले दिन आपके लिए पूजा भी अवश्य कर सकें। जिन भी लोगों ने हमारे इस चैनल को, गुरु रजनीश ऋषि को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बहुत बड़ा परिवार ये बन चुका है YouTube चैनल। तो यदि आप इसके मेंबर अभी तक नहीं बने हैं तो तुरंत ही सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल का आइकन भी दबाइए और साथ ही हमारे चैनल पेज पे जाना ना भूलें। समय समय पर आप हमारे चैनल पेज पे जाते रहे ताकि हमारे नए वीडियोज आपको मिलते रहे और उसमें से चुन के आप अपने मन पसंद का वीडियो देख सके। चलिए अब बात करते हैं आपकी राशि के बारे में। वो ऐसी कौन सी दिशा है जहाँ एक फोटो लगा देने से आपके घर में धन की वृद्धि होने लगी, पैसा एक तरीके से उसका फ्लो बढ़ जाएगा, अचानक से पैसा आने लगेगा, जो रुका हुआ पैसा है वो भी आ जाएगा, उसी बारे में आप चर्चा करेंगे। ना हम बसा में वैकुंठे योगी नाम हृदय नाच, मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। एक दिन श्री नारद जी भगवान श्री विष्णु के पास गए और जाकर के उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, मैं पृथ्वी का भ्रमण करता हूँ,
तो हमेशा लोग मुझसे पूछते हैं कि ये नारद, आप जिस नारायण को भजते रहते हैं, नारायण नारायण कहते रहते हैं, वो रहते कहाँ हैं, उनका पता, उनका एड्रेस बताओ, ताकि हम भगवान को जाकर के सीधा मना लें और कृपा प्राप्त कर लें। नारद जी विष्णु जी से पूछते हैं कि मुझे ये बताओ आपका परमानेंट एड्रेस कौन सा है। भगवान श्री विष्णु मुस्कुराते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तो नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, क्या मैं ऐसा बता दूं कि जितने भी मंदिर आपके नीचे धरती लोक पर हैं, उन सभी में आप रहते हो। तो भगवान श्री विष्णु मुस्कुराए। फिर नारद जी ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु, जितने भी योगी साधु सन्यासी हैं, आप उनके हृदय में रहते हो। भगवान श्री विष्णु फिर मुस्कुरा दिए। नारद जी ने कहा, फिर तो प्रभु जरूर मैं उनको ये बता देता हूँ कि आप वैकुंठ में रहते हो। भगवान श्री विष्णु ने तब कहा, हे नारद, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना ही मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, साधियों के हृदय में रहता हूँ, और ना ही मेरा परमानेंट एड्रेस कोई मंदिर है। मैं तो केवल वहां रहता हूँ जहाँ मिल करके मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मेरे नाम का गुणगान करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। इसलिए भगवान श्री विष्णु का नाम जपते रहो। भगवान के नाम को जहाँ जपा जाता है, भगवान के नाम को जहाँ लिया जाता है, चाहे वो भूल से ही क्यों ना, ईश्वर वहीं बसते हैं, वहीं रहते हैं। अब साथ ही आपको ये बताना चाहूँ कि बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि गुरु माँ, लक्ष्मी जी हमारे यहाँ आती तो है लेकिन टिकती नहीं। पैसा खूब आता है लेकिन जब जरूरत है, जब लग रहा है कि चलो अब बचत होने लगी है, तो हाथ में कुछ भी नहीं बचता। ऐसी यदि समस्या आपके साथ भी है तो आज मैं उसका कारण आपको बताने वाली हूँ। यदि आप तो केवल माता महालक्ष्मी का ध्यान करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनका जाप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो माता लक्ष्मी का वाहन कौन सा है आप जानते हैं? माता लक्ष्मी उल्लू पर सवार है। और ऐसी लक्ष्मी जो उल्लू पर सवार है, कहते हैं वो उल्लू ही बना करके चली जाती है। तो माता लक्ष्मी को अपने यहाँ कैसे बुलाएं और स्थिर कैसे करें? माता लक्ष्मी को हमेशा ही अपने यहाँ विष्णु जी के साथ बुलाना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी ऐसे में गरुड़ देवता पर सवार होके आती है, विष्णु जी के साथ आती है और सदा ही अपने भक्तों के यहाँ वास करती है। और क्यों माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु के साथ ही पूजना चाहिए, ये कथा मैं आपको वीडियो के अंत में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और इस बात को समझ लें कि क्यों और कैसे भगवान श्री विष्णु को और माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहिए और कैसे वो आपके यहाँ स्थिर होंगी, कैसे धन आपके यहाँ टिकेगा, रुकेगा, खर्चे कम। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आपकी राशि के बारे में, कौन सी राशि को कौन सा फोटो, चित्र या पेंटिंग अपने घर में लगानी चाहिए और किस दिशा में लगानी चाहिए, ताकि उनके घर में सौभाग्य की वृद्धि हो, ताकि उनके घर में गुड लक और बढ़े, पैसा और बढ़े, आमदनी और बढ़े, बहुत सारे इनकम के नए सोर्स जुड़े और घर के लोग भी खुशहाल रहे। तो सुख शांति को अट्रैक्ट करने वाली वो पेंटिंग, वो फोटो और दिशा कौन सी है, चलिए जानते हैं। लेकिन सबसे पहले बताना चाहूंगी, अपने घर में आपको अपने गुरु का फोटो भी अवश्य लगाना चाहिए। ऐसे लोगों के घर में गुरुदेव की कृपा रहती है, उनकी रक्षा होती है। तो बहुत से देवी देवताओं के चित्र आप लगाते होंगे, लेकिन अपने गुरु का फोटो लगाना ना भूलें। अगर आपके गुरु हैं और उनका फोटो अब तक आपने नहीं लगाया, बहुत शुभ दिन आ रहा है दिवाली का, उस पर आप स्थापित कर लें। और यदि गुरु ही नहीं है जीवन में तो गुरु अवश्य बनाएं, किसी को गुरु जरूर माने और उनका फोटो अपने घर में लगाएं। गुरु का जब भी सुबह आप दर्शन करते हैं, गुरु को देखते हैं, तो उनकी वाइब्रेशंस, उनकी जो एनर्जी होती है वो आपको हील करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है, आपकी बहुत सारी समस्याओं को अपने ऊपर लेती है, उसमें कमी लाती है। तो अपनी रक्षा के लिए, जीवन में वृद्धि के लिए अपने गुरु का दर्शन करके सुबह अपने दिन का प्रारंभ करना चाहिए। अब बात करते हैं राशि के अनुसार कौन सी फोटो और किस दिशा में आपको लगानी है।
चलिए बात करते हैं तुला राशि की। अगर आपकी राशि तुला है यानी कि लिब्रा है तो आपको अपने घर में वृद्धि के लिए, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और ज्यादा इनकम बढ़ाने के लिए, धन को बढ़ाने के लिए और धन को वहां पर टिकाने के लिए कि धन खर्च ना हो, खर्चों में कटौती हो और बढ़ोतरी हो पैसे, ऐसा करने के लिए आप फोटो लगा सकते हैं, कोई पेंटिंग लगा सकते हैं फूलों का, और सफेद फूल हो तो और सुंदर है, मल्टी कलर है तो भी बहुत अच्छा है। आप फूलों का कोई पेंटिंग या कोई फोटो आप लगाएं अपने घर में। इस फोटो को आपने अपने घर के किसी भी पश्चिम दिशा में यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में दीवार पे आप इसे लगाएं। इस उपाय को करने के लिए कोई भी शुभ दिन का आप प्रयोग कर सकते हैं। दिवाली आ रही है, आप दिवाली का प्रयोग कर सकते हैं। दिवाली के जो मुहूर्त है उसमें आप इस फोटो को स्थापित कर सकते हैं। होली के दिन भी आप इसे स्थापित कर सकते हैं या शुक्ल पक्ष की जो भी पूर्णिमा हो उसको आप स्थापित करेंगे तो ये अत्यंत शुभ होगा और शुभ परिणाम आपको अवश्य देगा। और उस दिशा में लगा करके आप देखेंगे कि धीरे धीरे घर में सौभाग्य आने लगा है, धन में और बढ़ोतरी हो रही है, लाइफ में और प्रगति हो रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है और जीवन और खुशहाल हो रहा है। लेकिन इस उपाय को करने के बाद भी अगर आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी भी उतना लाभ अभी आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में आप निश्चित जानिए कि आपकी जन्म कुंडली के ग्रह बहुत ही खराब है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप अपनी जन्म कुंडली के ग्रहों को सुधारने के लिए जो स्क्रीन पर हमारे शनिपीठ मंदिर नई दिल्ली के नंबर आ रहे हैं वहां पर आप फोन करें और फोन करके अपनी जन्म कुंडली मुझसे, हमारे गुरु जी गुरु रजनीश ऋषि जी से या स्वामी राज ऋषि जी से आप अवश्य दिखाएं। हम आपके ग्रहों को देखेंगे, कौन से ग्रह ऐसे हैं जो आपको फल ही नहीं ले देते, आप उपाय कर रहे हैं तो भी नहीं लग रहा, या अन्य कोई आप चीज करने कोशिश कर रहे हैं जीवन में तो भी आपको फल नहीं दे रही, तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपको इतना बुरा प्रभाव दे रहा है, उसका उपाय करेंगे, उसको ठीक करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन और बेहतर हो जाएगा और आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगेंगे। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, कोई जादू नहीं है, लेकिन हाँ आप इसे ठीक से करेंगे तो बिल्कुल प्रभाव आता है। इस सेवा को लेने के लिए हमारे यहाँ एक छोटी सी फीस चार्ज की जाती है, आपको पेटीएम के माध्यम से, अकाउंट के माध्यम से वो फीस हमारे यहाँ दे सकते हैं, क्योंकि ये जो फीस है ये आप ही लोगों पर एक तरीके से खर्च की जाती है। जो सामाजिक कार्य हम करते हैं, जो यज्ञ महायज्ञों का आयोजन होता है, जो हम गरीब लड़कियों को कंप्यूटर की एजुकेशन दे रहे हैं, पिछले 8-10 साल से हम ये एजुकेशन दे रहे हैं, बहुत सी लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनाया है, अपने पैरों पर खड़ा किया है, उसके लिए हम ये प्रयोग करते हैं। साथ ही जो प्रसाद वितरण होता है गरीबों के बीच में, लंगर सेवा होती है हर मंगलवार हर शनिवार, उसके लिए ये प्रयोग करते हैं। साथ ही हर शुक्रवार को जो मैं यज्ञ करती हूँ, आप सभी लोगों के लिए जो भी व्यक्ति मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं या जो भी व्यक्तियों को मेरी प्रार्थना की आवश्यकता है, अपने हर सब्सक्राइबर के लिए हर शुक्रवार को मैं यज्ञ करती हूँ, उसके लिए भी ये फ्री प्रयोग की जाती है। साथ ही आने वाले समय में जो हम नवग्रह शांति स्थल बनाना चाहते हैं, शक्ति पीठ बनाना चाहते हैं दिल्ली में ही, उसके लिए ये प्रयोग किया जाएगा। तो जो लोग भी सामर्थ्य हैं, जिनके पास धन है, ईश्वर ने उनको दिया है, ईश्वर उन्हें और दें, लेकिन आप सामर्थ्य हैं यदि तो अवश्य ही फीस लेके अपनी कुंडली दिखाएं। लेकिन यहाँ प्रश्न आता है, बहुत से लोग कहते हैं गुरु मां हमारे पास फीस नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमने एक स्वामी जी को बिठाया है जो शनिवार और इतवार को बिल्कुल फ्री आपकी कुंडली देंगे। तो जो लोग बिल्कुल सच में ही गरीब हैं, उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं खर्च करने के लिए और फिर भी वो अपना उपाय जानना चाहते हैं, उसके लिए हमने एक स्वामी जी को बिठा रखा है, उनकी जो भी खर्चा है वो हम मंदिर की तरफ से देते हैं, लेकिन वो आपकी कुंडली फोन पर फ्री देते हैं। आप हमारे यहाँ फोन करके उस बारे में भी पता कर सकते हैं। वो सेवा केवल और केवल आप ही लोगों के लिए, जो गरीब व्यक्ति है उनके लिए रखी गई है। तो हम तो अपनी तरफ से आप सभी लोगों का पूर्ण सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सभी को सहायता देने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सके आप सभी के लिए हम अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं। और इसी कारण आज पूरी दुनिया में हमारा नाम है, पूरी दुनिया में 133 देशों से लोग हमारे पास आते हैं और बहुत से लोगों को फायदा भी प्राप्त होता है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन साथ में होना चाहिए और कैसे वो आपके घर में वृद्धि कराए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, माता लक्ष्मी को अकेले पूजोगे तो केवल उल्लू बना के चली जाएंगे, और अगर आप उनको विष्णु जी के साथ पूजोगे तो वो बाध्य हो जाएंगी कि सदा सदा आपके यहाँ वास करें और आपको शुभ परिणाम दे, धन की बरकत आपके घर में।
इसके पीछे एक बहुत ही प्यारी सी कहानी आती है। कहानी इस प्रकार से है, मैंने किसी से सुनी है कि एक दिन माता महालक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु शेषनाग जी की शैया पर बैठे थे। माता लक्ष्मी, जैसा कि आप जानते हैं, उनकी चरण का दबा रही थी और माता लक्ष्मी ने देखा कि विष्णु जी कुछ गहरे विचार में, तो उन्होंने पूछा कि हे स्वामी, ऐसी क्या बात है जो आप इतना विचार कर रहे हैं। विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी, बहुत दिन हो गए धरती का भ्रमण नहीं किया, पता ही नहीं चल रहा नीचे धरती पे चल क्या रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ एक चक्कर मार ही आऊं। ये बात सुनकर के माता लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न हो गए। वो कहने लगे, स्वामी मैं भी आपके साथ चलूं। लेकिन विष्णु जी ने कहा, नहीं नहीं भार्या, आपको नहीं ले जा सकता क्योंकि आप बहुत चंचल, आप कब किधर चली जाओ पता नहीं चलता। माता लक्ष्मी ने कहा, नहीं मैं आपको वचन दूंगी, आप जैसा कहोगे वैसा करूंगी, लेकिन मैं भी आपके साथ चलूं। तो उनकी जिद करने के कारण भगवान श्री विष्णु ने उनको कहा कि ठीक है, मैं तुमसे एक शर्त रखता हूँ कि तुम उत्तर दिशा की ओर नहीं देखो, मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाओगी। ये वचन लेकर के माता लक्ष्मी को वो अपने साथ ले गए। अब जैसे ही धरती पर भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी आए, तो उन्होंने देखा धरती बहुत सुंदर है, प्रकृति हर ओर फैली हुई थी, खेत खलियान थे, कितनी सुंदर सुगंध आ रही थी, इतना अच्छा दृश्य था कि माता लक्ष्मी स्वयं को रोक ही नहीं पाई। उत्तर दिशा की ओर देखा तो उत्तर दिशा की ओर उन्हें एक बहुत बढ़िया सा बागीचा दिखा। अब जैसे ही बागीचा दिखा, वो विष्णु जी को छोड़ करके सीधा उस बागीचे में पहुंची और वो फूल अपने सर में लगाने लगी। जैसे ही विष्णु जी ने देखा, वो उसी समय भ्रमण को छोड़ के वहां से अंतर ध्यान हो। फिर माता लक्ष्मी ने उनको पुकारा तो वो कहते हैं कि देखो हे देवी, अब मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, मैंने तुमसे कहा कि तुम उत्तर की ओर नहीं देखोगी, तुमने ये अपराध किया, मैंने तुमसे कहा तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, तुमने ये भी अपराध किया, और इस साथ में तुमने एक माली के बगीचे से पुष्प तोड़े और पुष्प तोड़ के उसका उपयोग किया, बिना उसकी अनुमति के ऐसा करना चोरी का अपराध है। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का एहसास हुआ, उन्होंने क्षमा मांगा, लेकिन भगवान श्री विष्णु ने कहा कि इस भूल के लिए तुम्हें प्रायश्चित करना होगा और तुम्हारा प्रायश्चित, तुम्हारी सजा यही है कि अब से 4 साल तक जिस माली के यहाँ से तुमने फूल तोड़े हैं, तुम उसी घर में नौकर बन के रहोगे। माता लक्ष्मी ने उस सजा को स्वीकार किया क्योंकि उसके बाद ही वैकुंठ में वो वापस जा सकती। उन्होंने गरीब महिला का रूप धारण किया और उस माली के घर पे गई। उस माली का एक बड़ा परिवार था, मियां बीबी थे, उनके 2 बेटे थे और 3 बेटियां। जैसे ही वो उनके द्वार गई, माली ने पूछा कि बहन आप कौन हो, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैंने कई दिन से कुछ खाया नहीं है, यदि तुम मुझे अपने यहाँ थोड़ा सा काम दे दो तो मैं यहीं तुम्हारे घर में कोने में पड़ी रहूंगी, तुम्हारे बागीचे का और तुम्हारे घर का काम करती रहूंगी। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत मुश्किल से ही मैं अपने बच्चों का पेट पाल पाता हूँ, अब तुम्हें मैं कहाँ से खिलाऊं। लेकिन उसका हृदय बहुत बड़ा था, उसने कहा कि देखो यदि मेरी 3 बेटियां हैं, 4 बेटियां होगी तो भी तो मैं उसे पालता ही ना, तो यदि तुम रूखे सूखे में गुजारा कर सको और मेरी 4थी मुंह बोली बेटी बन के रह सको तो तुम यहाँ आ सकती। माता लक्ष्मी का चरण जैसे ही उस घर में पड़ा, उस घर की तो कायाकल्प हो गई। अगले दिन इतना धन उस माली को प्राप्त हुआ, इतनी उसकी बिक्री हुई कि उसने रातों रात एक गाय ले ली। गाय से उसने दूध का व्यापार भी शुरू किया, दूध से उसको बहुत सा धन आने लगा, उससे उसने अपने धन को और बढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे उसका एक अच्छा घर बन गया, एक पक्का मकान बन गया झोपड़े से, उसकी पत्नी और बेटियों के लिए गहने आ गए और बहुत सी बरकत उनके यहाँ होने। तो एक दिन जब 4 साल हो गए, माता लक्ष्मी उसके घर से अपने वास्तविक रूप में आई। उनके शरीर पे बहुत सारे सुंदर वस्त्र और गहने पड़े थे, मुंह पर दिव्य कांति थी। उसने और उसके पूरे परिवार ने माता महालक्ष्मी की स्तुति की और उनसे क्षमा मांगी, अनजाने में हमने आपसे काम करवाया। माता महालक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, ये तो मेरी नियति थी, क्योंकि जो भी इस कर्म भूमि पर आता है, जो भी व्यक्ति इस धरती पे आता है, वो कर्मों के और ग्रहों के अधीन हो जाता है, तो जब मैंने ऐसा कर्म किया तो उसका फल भी मुझे ही भोगना था। भगवान श्री विष्णु माता महालक्ष्मी को लेने के लिए आए और तब उन्होंने उस परिवार को वरदान दिया कि माता महालक्ष्मी का एक अंश सदा उनके यहाँ वास करेगा और उनको धन की और सुख शांति की कमी कभी नहीं। इसीलिए भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी को साथ में पूजना बहुत आवश्यक है, उनकी पूजा जब भी करें साथ में करें।
आप सभी को मैं अपना आशीर्वाद देती हूँ। भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी सदा आपके यहाँ वास करें, आपको आशीर्वाद दें, धन की कमी कभी आपको न सताए और जितना भी आवश्यक है उतना धन आपको प्राप्त होता रहे। ऐसी इस दिवाली में आपको ब्लेसिंग्स दे रही हूँ, आशीर्वाद दे रही हूँ। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। जय शनिदेव। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।